सारे ही विद्यार्थियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। आओ शुरू करिए अगला टॉपिक वाक बोध। सब तो पहला आप वाक की परिभाषा समझांगे। वाक च अर्थां दा संचार करन वाला शब्द समूह है जेड़ा ओ वाक है बई। अगर संखेप रूप च अगर मैं तुहानू कहां तां शब्दां दा समूह। वाक भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है। किसी भाषा जा लिखत की होंद वाकां द्वारा ही बनती है। दूजे शब्दों अगर आप कह लीए वाक वह आधार है जिस उत्ते किसी भाषा की उसारी होंदी है। शब्दों के समूह तो वाकांश इकाई बनती है। वाकांशा के मेलना उपवाक के उपवाकों तो वाकों की संरचना है जिहड़ी होंदी है। इस प्रकार जिहड़ी वाक है वह भाषा की सब तो वड्डी सार्थक इकाई है। पतंजलि है उसने वाक की जिहड़ी परिभाषा दित्ती है वह इस प्रकार है। पूर्ण अर्थां दा संचार करन वाले शब्द समूह नूं वाक कहा जाता है भाई। पूर्ण अर्थां दा संचार करन वाला शब्दां दा समूह है वह वाक है। तुहानूं इह परिभाषावां याद करन की लोड़ नहीं है, सिर्फ तुसीं पढ़ लिओ भाई, तुहाडे ध्यान च रह जूगा कि वाक हुंदा की है। हरकीरत सिंह ने की परिभाषा दित्ती है, अजिहा बोल जो बिना किसी दूजे बोल की सहायता दे पूरे अर्थ देवे वह वाक है। हुण आपां सिट्टे दे रूप च कह सकते हैं कि वाक एक स्वै अधीन उपवाक जो किसी वड्डी इकाई के अधीन नहीं हुंदा। वाक विच शब्द वाकांश से उपवाक एक व्याकरणक तरतीब विच बजे हुंदे ने। हर वाक विच पूरा भाव प्रगटाउण दे योग हुंदा है। और एक ही लाइन विच अगर कहीए तां इह गल होवेगी कि पूर्ण अर्थां दा संचार करन वाला शब्द समूह है जेड़ा ओ वाक है भाई। हुण अगे वाक दे हिस्से साधारण पद्धर ते अगर आपां देखिए ते जेड़े वाक दे हिस्से ने ओ दो है, विशा ते विधेय। विशा नू उद्देश भी कहिंदे आ भाई, सबजैक्ट भी कह लैंदे आ। विशा ते विधेय यह साधारण वाक के हिस्से ने। हुण उद्देश की है, विशा की है, कर्ता ते कर्ता का विस्तार है जेड़ा वह उद्देश है, सबजैक्ट है, विशा है। बाकी वाक च जो भी बच गया वह विधेय है। एक चीज को पकड़ लो भाई काबू तरीके ना कि कर्ता ते कर्ता का विस्तार है जेड़ा वह उद्देश है, बस इस नूं ध्यान रख लो। बाकी जो भी बच गया वह विधेय है। प्रश्न आ सकता है कि वाक का विशा दसो, ते विशा दस देना, विशा आ जाए, उद्देश आ जाए। कर्ता ते कर्ता का विस्तार है वह विशा है। हुण कर्ता पहला भी दसिया जा चुके कि कर्ता की है। वाक विच काम करन वाला है जेड़ा, वाक विच काम करन वाले नूं कर्ता कहिंदे ने। जिवें राम लिखदा है, राम लिखदा है, हुण लिखण दा काम करन वाला कौन है? राम है। राम करता है भाई। राम की है? करता है। ते आ विशा दा हिस्सा है। ते बाकी जेड़ा बच गया ओ विधेय है। हुण एक गल होर, कल्ला करता भी हो सकता है और कई बार करता दा विस्तार भी हो सकता है। करता दा विस्तार, करता दी विशेषता दसण वाले शब्द करता दा विस्तार होंदे ने। एक वाक होर लै लैने हैं बई, चंगे लेखक सत्कारे जांदे हन। चंगे लेखक सत्कारे जांदे हन। हुण इत्थे देखो लेखक करता है बई, लेखक की है? वाक दा करता है, काम नूं करन वाला। और इस करता दा विस्तार है चंगा। इस करता दी खासियत है कि वह चंगा है, चंगे लेखक।
चंगे लेखक एक ही है, यह उद्देश है, यह विशा है, इस उद्देश कहांगे और बाकी जो भी बच गया वो विधेय है। ते याद करने का एक तरीका आ भी होंगे कि आपां एक चीज चंगी तरह पता होवे, उस तो आपां जानू होवे, बस बाकी जो बच गया वो ओही है जिस तो आपां जानू नहीं है। पर समझांगे आपां सारा ये जेड़ा उद्देश वाला पाठ सीगा, विषय वाला पाठ सीगा, एंड सिर्फ एक ही चीज आती है, करता ते करता दा विस्तार। जिवें शान ए पंजाब महाराजा रणजीत सिंह, एक करता ते करता दा विस्तार है। करता कौन है? महाराजा रणजीत सिंह। और करता दा विस्तार शान ए पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने 50 वर्ष राज कमाया, ने 50 वर्ष राज कमाया, यह की है विधेय है। परंतु इतने करता ते करता दे विस्तार की गल कर रहे हैं, तो इतने रणजीत सिंह करता है, शाने पंजाब महाराजा रणजीत सिंह एक शाने पंजाब महाराजा एक करता दा विस्तार है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने देश लई सब कुछ वार दिता, ते हुण गुरु गोबिंद सिंह जी करता ने, और अगर गुरु गोबिंद सिंह जी दे अगे लग जाता है महान योद्धा सूरबीर गुरु गोबिंद सिंह जी, फिर ये गुरु गोबिंद सिंह जी दे अगे जो भी गुरु गोबिंद सिंह जी दी खासियतां बता रहे ने वो सारा करता दा विस्तार है। ते उद्देश दे अंदर विशा दे अंदर करता ते करता दा विस्तार आंदा है, बाकी जो भी बच गया वो विधेय दे अंदर आंदा है। अगर वेख्या जावे ते जिहड़ा साधारण वाक है उसकी तरतीब अगर देखिए तो करता कर्म क्रिया दी होंदी है भाई, पंजाबी दे अंदर पहला करता आऊगा, फिर कर्म आऊगा, फिर क्रिया आऊगी। ठीक है, तो सिर्फ करता ते करता दा विस्तार उद्देश दे अंदर आवेगा, बाकी सब कुछ विधेय दे अंदर आऊगा। हुण आपां गल करांगे कि विधेय दे अंदर की है, विधेय दे अंदर की है भाई, विधेय दे अंदर कर्म ते कर्म दा विस्तार, पूरक ते पूरक दा विस्तार, क्रिया ते क्रिया दा विस्तार। कहण दा भाव कि इत्थे कर्म भी आवेगा, पूरक भी आवेगा, ते क्रिया भी आऊगी विधेय दे अंदर। विधेय नूं 6 भागां च वंडिया गया है भाई आम तौर ते, ते कर्म तुसी आ याद रख लियो, कर्म पूरक ते क्रिया ए विधेय दे अंदर आउंदे ने। ते कर्म आ गया ते कर्म दा विस्तार, पूरक आ गया तां पूरक दा विस्तार, और जे क्रिया आ गई तां क्रिया दा विस्तार। ए सारा कुछ किस दे अंदर आवेगा? विधेय दे अंदर आवेगा। हुण आपां नूं पता लग गया है कि विशा उद्देश दे अंदर सिर्फ करता ते करता दा विस्तार आंदा है, और बाकी जो बच गया वह विधेय दे अंदर आंदा है। विधेय दे अंदर बाकी जो बच गया वह की बच गया? वह हैगा है कर्म ते कर्म दा विस्तार, पूरक ते पूरक दा विस्तार, क्रिया ते क्रिया दा विस्तार। हुण आपां गल करदे हां इन्हां बारे, एक एक दे बारे आपां चानना पावांगे बई। सब तो पहला आपां कर्म, कर्म तो आपां जाणू है, पहला भी आपां दस्या होया है। वाक विच जिस उत्ते कोई काम कीता जावे, जिस उत्ते कोई काम होवे, जिस उत्ते करता दे काम दा असर पवे, वो कर्म है। रवि ने सप मारिया, रवि ने सप मारिया, हुण की है भाई, हुण इस दे अंदर की होगा? कर्म केड़ा होगा? कर्म होगा सप। कर्म की होगा भाई? सप। असर किस ते पै रहा है? इस विधेय दा असर किस ते पै रहा है? सप दे उत्ते पै रहा है। इस करते ने सप मारता, असर प्रभाव पै रहा है सप दे उत्ते, कर्म है भाई। यह की है? सप कर्म है, मारिया क्रिया है, मारिया क्रिया है, और यह करता है भाई, यह करता है। और यह पंजाबी वाक की तरतीब है, करता कर्म ते क्रिया, ये तरतीब है भाई। इस तरतीब वाक है जेडे अमूमन तौर पर
अमूमन तौर पर सैट होंगे ने, अमूमन तौर पर आ ध्यान रखी सैट होंगे ने, आम तरतीब हैगी कवि लोग तरतीब बदल भी देंदे होंगे तो ठीक है। तो इस तरीके आप पता लग गया एक करता है एक कर्म है एक क्रिया है। हुण की है कि पूरक का विस्थार जिहड़ा कर्म है कर्म का विस्थार भी हो सकता है बई जदों कर्म की विशेषता दसण वाले शब्द को कर्म का विस्थार कहते हैं जिथे करता की विशेषता दसण वाले करता का विस्थार कहते हैं कर्म की विशेषता दसण वाले कर्म का विस्थार कहते हैं क्रिया की विशेषता दसण वाले क्रिया का विस्थार कहते हैं पूरक की विशेषता दसण वाले पूरक का विस्थार आखते हैं। हुण आपां कर्म के विस्थार की गल कर रहे हैं इत्थे कर्म की विशेषता दसूगा इत्थे एक होर अगर आपां विच बाक फिट कर दिए काला रवि ने काला सप मारिया रवि ने काला सप मारिया और सप है जेड़ा वो कर्म है और काला काला की है इस कर्म का विस्थार है इस कर्म का विस्थार है काला सप कर्म का विस्थार है। इस तरीके अपने जेड़ा अगला वाक सामने आया है रवि ने काला सप मारिया सीता ने चिट्टे कपड़े पाए चिट्टे कपड़े पाए। हुण ये की है बई एक करता है और कपड़े कपड़े कर्म है कर्म की खासियत की वह चिट्टे ने चिट्टा कर्म का विस्थार है और पाए क्रिया है पाए क्रिया है। इस तरीके आपां नूं पता लग गया अगला चरण भी कर्म ते कर्म दा विस्थार। हुण उस तों गांह तुरदे आं पूरक सब तो पहला समझांगे कि पूरक हुंदा की है। पूरक दी पूरक वाक दे भाव नूं पूर्ण करन लई वरते गए शब्द नूं पूरक आखदे ने। वाक दे भाव नूं जो पूरा करे बई उस नूं पूरक आखदे पूरक पूर पूरे तो पूरक बन गया बई पूरक नाम तो ही पता लग रहा है पूरक का भाई नाम तो ही पूरा पूरा तो पूरक नाम तो ही पता लग रहा है। इस तो आपां नूं पता लग गया कि वाक दे भाव नूं पूरा करन लई जो शब्द वरते जांदे ने उस नूं पूरक आखदे ने। जिवें कि जसवंत सिंह नावलकार है जसवंत सिंह कवल लिख दो नहीं लिखना तो रहन दो जसवंत सिंह नावलकार है। हुण इस विच की करते हैं बई पूरक है नावलकार की है जसवंत सिंह नावलकार है नावलकार पूरक है बई ये नावलकार की है पूरक है इस भाव नूं करता दे भाव नूं पूरण कर रहा है करता दे भाव नूं पूरण कर रहा है इस कारण यह पूरक है पई। जसवंत सिंह नावलकार है वरियाम सिंह संधू कहानीकार है कहानीकार पूरक हो गया पई। हुण पूरक का विस्थार जिहड़ी पूरक की विशेषता दसे वह पूरक का विस्थार है पूरक की विशेषता दसे पूरक का विस्थार है। जसवंत सिंह वधिया नावलकार है आलो जी वधिया आ गया यह वधिया इस नावलकार पूरक का विस्थार है तो इस कारण वधिया है जेड़ा ये पूरक का विस्थार है ये करता और आपूरक और है जेड़ी वह सहायक क्रिया हैगी है की है सहायक क्रिया है। वरियाम सिंह संधु प्रसिद्ध कहानीकार है वरियाम सिंह संधु एक करता है प्रसिद्ध पूरक का विस्थार है पूरक कहानीकार पूरक की है कहानीकार क्योंकि ये जेड़ा आ है ये वाक दे भाव नूं पूर्ण करन लई वरत्या गया शब्द है भाई कहानीकार और कहानीकार का विस्थार प्रसिद्ध है ते पूरक का विस्थार हो गया प्रसिद्ध प्रसिद्ध। हुण अगे गल करिए अखीरली छेकण लई गल क्रिया क्रिया तो आपां जाणू है भाई सारे इस बारे आपां पढ़िया भी होया वाक विच कम नूं काल सहित कम नूं काल सहित प्रगट करन वाले शब्द नूं क्रिया कहा जाता है। जिवें मनजीत खेड रहा है मनजीत खेड रहा है बई मनजीत एक की है बई करता है खेड क्रिया है रहा है
खेड रहा है, क्रिया सहायक क्रिया वगैरह ये आ गई भाई, क्रिया आ गई, क्रिया आ गई, संचालक क्रिया आ गई, सहायक क्रिया आ गई, एक ही है क्रिया है। और जैसे तो भी छोटा वाक बना लिए तो मनजीत खेड़दा है, मनजीत खेड़दा है, उन्हें खेड़दा की हो गया, क्रिया होगी भाई, क्रिया रूप हो गया, क्रिया होगी। तो एक ही है क्रिया, तुसी पछाण जोगे, तुहानू पता है कोई भी काम करना या होना पाया जावे वह क्रिया है, या काम नू काल सहित प्रकट करने वाला शब्द है जेड़ा वह क्रिया है भाई। हुण अगे क्रिया का विस्थार, क्रिया का विस्थार, बस जिहड़ा क्रिया की विशेषता दसे क्रिया का विस्थार है, जिहड़ी कर्म की विशेषता दसे कर्म का विस्थार है, जिहड़ी पूरक की खासियत दसे पूरक का विस्थार है, जिहड़ा क्रिया की खासियत दसे वह क्रिया का विस्थार है, क्रिया की विशेषता दसे क्रिया विशेषणी शब्द भी हो सकता है। हुण इस विच मनजीत चंगा खेड़दा है, मनजीत चंगा खेड़ रहा है, मनजीत चंगा खेड रहा है, ते आ चंगा की है भाई, चंगा क्रिया का विस्थार है, मनजीत चंगा खेड़दा है, इवें भी हो सकता है खेड़ रहा है, वह भी हो सकता है खेड़ रहा है, इस कारण लिखा कि तुसी इन्नू इस विस्थार के चक्कर च ना पै जाओ, आ क्रिया ये सहायक क्रिया ये संचालक क्रिया हैगी इस कारण, परंतु इसका जिहड़ा विस्थार है खेड़ने का वह चंगा है। खासियत की तरफ ध्यान देना है क्योंकि क्रिया का विस्थार दे विच क्रिया की खासियत जुड़ेगी, क्रिया की खासियत जुड़ गई, एक क्रिया की खासियत नहीं है, एक क्रिया की खासियत नहीं है भाई, यह तो टाइप है, तो आ चंगा जी है वह खासियत है, क्रिया विश क्रिया विशेषणी शब्द हो सकते ने वो भाई। इस तरीके आप जाणू हो गए भाई कि करता ते करता का विस्थार, कर्म पूरक इन्हों सारे बारे आप जाणू हो चुके हैं, दो एक दो एग्जाम्पल लें फिर आप गांह सफर तय करते हैं। सानू गरीबां दी सहायता करनी चाहिए है, दिमाग सोचो भाई केड़ा केड़ा की है, इन्नी देर देखो कोई करता केड़ा है, विशा केड़ा है, हां जी हुण आपां इस दे उत्ते चर्चा करते हैं। सब तो पहला करता कढ़ांगे भाई, इहदे च करता कौन है, ये है करता है, और आपां नूं पता है करता ते करता दा विस्थार है जिहड़ा वह किस विच शामिल हुंदा है, उद्देश दे विच शामिल हुंदा है, ते आ उद्देश है जिसनूं विशा भी आखदे, आ उद्देश है, बाकी सारा जिहड़ा बच गया वह विधेय है, बाकी सारा की है विधेय है। हुण इस विधेय दे उत्ते चर्चा करते हैं भाई, गरीबां दी ये गरीब की है, असर किस ते पै रहा है, करता दा प्रभाव किस ते पै रहा है, कहिंदा सानूं गरीबां दी सहायता करनी चाहीदी है, सहायता किन्ना दी हो रही है, असर किस ते पै रहा है, प्रभाव किस ते पै रहा है गरीबां ते, गरीब की है कर्म, गरीबां दी की है एक कर्म है भाई। हुण करनी चाहीदी है एक ही है करना, करना की है क्रिया है भी, करना की है क्रिया, और एक क्रिया के प्रकार आ गए भी सारे ठीक है, और यह सहायता की है क्रिया की विशेषता है, क्रिया की एक क्रिया का विस्थार है, एक क्रिया का विस्थार है भाई, क्रिया का विस्थार है इस तरीके, और आ सारा मिलके की बनता है भाई विधेय। एक एक अक्षर खंडा के रखता, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुहानू। हाँ भाई अगला एग्जाम्पल होर लैने, मैं मित्र नू बहुत याद करता हाँ, मैं मित्र नू बहुत याद करता हाँ, मैं मित्र नू बहुत याद करता हाँ, मैं कौन है भाई करता, मैं कौन है करता, और करता दा विस्थार इत्थे आया नहीं तो यह उद्देश की श्रेणी जा रही। हुण की है मित्र नू की है भाई, मित्र नू असर किस ते पै रहा है, इस ते मित्र की हो गया कर्म हो गया, मित्र नू की हो गया, यह मित्र नाल जुड़िया होया, मित्र नू कर्म हो गया, बहुत याद करदा हाँ, याद करना यह की होगी क्रिया होगी, यह की होगी भाई क्रिया होगी, और आ की है बहुत क्रिया विशेषण है भाई, क्रिया विशेषण है, और एक की हो गया क्रिया का विस्थार हो गया, क्रिया का
विस्तार हो गया, और ऐसा सारे नूं अगर वेखिए तां इह विधेय हो गया, इह की हो गया विधेय हो गया। और उस तो अगला बई चंगे लोग दुखियां ते दया करदे ने। हुण मैं लिख रहा है उन्नी देर तक बई तुसीं सोचो बई की हैगा है। चंगे लोग दुखियां ते दया करदे ने, चंगे लोग दुखियां ते दया करदे हन। तुसीं अपनी जिहड़ी दिमाग दे अंदर स्ट्रक्चर कर ली होनी है भाई, हुण उस नूं मिलाओ भाई। जिहड़ी तुसीं सोचिया सी ओही है कि लोक की है, लोक है करता, वाक दे विच की है करता है लोक, और लोकां दी खासियत की उह चंगे ने, एक ही है विशेषता दस रहा है, एक करता का विस्तार है भाई, एक ही है एक करता का विस्तार है। चंगे चंगे करता का विस्तार है, और एक ही है करता है जेड़ा आ पोर्शन है, क्योंकि करता और करता दे विस्तार नु मिला के की आखते ने उद्देश्य आखते ने, आ उद्देश्य है भाई। बस एक चीज ध्यान रखियो, आ उद्देश्य है, उद्देश्य है, उद्देश्य है। ते ए हर बार बोर्ड दे किताब च जरूर आंदा भाई उद्देश केड़ा है दसना होंदा है, पर अपने भी आ सकदा है भाई, जाणू होइए आपां आ उद्देश है भाई। और बाकी जेड़ा सारा बच गया वह विधेय है, बाकी जो सब बच गया वह विधेय है। हुण विधेय केड़ा केड़ा है ये आपां नूं ध्यान करना पवेगा। हुण इत्थे दुखियां दुखियां ते दया करदा है, किस ते दया करदा है, दुखियां ते करदा है। तो दुखिया की हो गया, कर्म हो गया भाई, करते हैं क्रिया, करते हैं की है क्रिया, और दया विस्तार है, दया की है इस क्रिया का विस्तार है, एक क्रिया का विस्तार है दया भाई। तो इस तरीके जरा वाक है ये बने, एक वाक है जो आप होर लें भाई, समझ आ गया होना भाई, ओके SMS कर दो, वरना एक एग्जाम्पल होर ले लें, एग्जाम्पल काफी देते, ओके SMS कर दो भाई, सब कुछ ओके चल रहे, किसी प्रकार की कोई योगदान नहीं, आवाज बिल्कुल साफ क्लियर कट, कोई सब दे SMS कर दो कट्ठे ही। आ जाओ भाई एक थोड़ा जा वड्डा लईए, जमात ने एग्जाम्पल है साड़ी, साड़ी जमात ने एक साधारण मुंडे नू कल अपना मनीटर चुन लिया, साड़ी जमात ने एक साधारण मुंडे नू कल मनीटर चुन लिया। हुण देखो भाई इत्थे सब तो पहला आपां करता छड़ना है भाई, करता करता कौन है, कौन है मनीटर चुनने वाला, कौन है, दिमाग दे विच क्लियर होना चाहिए, तुहानू पता लग गया मनीटर चुनने वाला कौन है, मनीटर चुनने वाली जमात हैगी है भाई जमात, तां इह की हो गया करता हो गया, और करता दा विस्तार, इह जमात केड़ी है साडी है, खासियत देती जमात दी भाई साडी जमात, ते आ विस्तार है भाई करता दा, आ जिहड़ा वाक इन्ना आया है वह उद्देश है जिसनू विशा भी आखदे, बाकी सब विधेय है, बाकी सब विधेय है। हुण विधेय उत्ते चर्चा करते हैं भाई, विधेय च की है, एक साधारण मुंडे नूं हुण असर किस ते पै रहा है भाई, असर किस ते पै रहा है, मुंडे ते पै रहा है, मुंडा कर्म है, मुंडा की है कर्म है, क्योंकि मनीटर कौन चुनिया गया है, वह मुंडा चुनिया गया मनीटर, इस कारण ये मुंडा की है कर्म है। एक साधारण इस मुंडे की खासियत है, वो इस मुंडे की खासियत है कि वह साधारण है, तो मुंडा कर्म है, तो यह कर्म का विस्तार है, एक कर्म का विस्तार है भाई, एक कर्म का विस्तार है। उस तो बाद चुन लिया, आपू पता है की है, चुन लिया, चुन लेना एक ही है क्रिया है, चुन लेना एक ही है भाई क्रिया है। होर क्रिया दी खासियत कौन दस रहा है, क्रिया कल दस रहा है, कल कल दस रहा है,
कल की है क्रिया का विस्तार है भाई, क्रिया का विस्तार है कल, क्रिया का विस्तार है। हुण जो बच गया भाई, हुण की है बच गया मोनीटर, की बच गया भाई मोनीटर बच गया। ये मोनीटर की है, ये पूरक है, मोनीटर की है ये पूरक है, मोनीटर पूरक है, इस चीज नूं ध्यान रखियो। आ मोनीटर की है, ये पूरक है, क्योंकि ये पूरा कर रहे हैं, की कर रहे हैं पूरा कर रहा है, इस कारण ये मोनीटर की है पूरक है। तुहानू पूरक पहली गल तां पछाण सी आजूगा भाई, क्योंकि देखो जमात काम करन वाली इत्थों पता लग गया। फिर आपां इस दे उत्ते देखना भी असर किस ते पै रहे, असर पै मुंडे ते, मुंडा बन गया मोनीटर, मुंडा करम है, ते इस मुंडे दे बारे लिखिया उस उदाहरण है, इस कारण ये विस्तार है। आपां नूं इन्हां चीजां नूं समझना है, इन्हां चीजां नूं समझना है, इत्थे जिहड़ी मर्जी चीज आ जाए आपां नूं कोई परवाह नहीं गी। इन्हां नूं जदों आपां समझ लिया भी असर इस ते पै रहे तां करम है, करम दा विस्तार है। हुण क्रिया आपां नूं पता है कि कम दा जिथे पता लगे तां चुनना की है क्रिया है, ठीक है जी। इहदी कल की है क्रिया दी विशेषता है। हुण बच गया वह पूरक है, वह पूरक है, जो बच गया वह पूरण करन दे विच सहयोग कर रहा है, भाव नूं पूरा कर रहा है। हुण कौन कर रहा है, मोनीटर भाई, उस मुंडे नूं की बनाता, मोनीटर बनाता। मोनीटर की है, ये उसनूं पूरा कर रहा है, पूरक है भाई, की है पूरक हैगा है। हुण इत्थे तक आपां नूं आपां कर लिया भाई, इस तों अगे करांगे आपां वाकां दा वर्गीकरण, वाक वंड करांगे। ये चंगी तरह समझ आ गया होगा भाई, सारे ने ओके एसएमएस कर ही दिता है, मतलब चंगी तरह समझ आ चुकी है। हुण वाकां दा वर्गीकरण, पंजाबी विच वाक जेड़े है भाई, उन्हां दी अगर किस्मां दी गल कीती जावे तां बणतर दे आधार ते जेड़ी किस्म है वह है, उहनूं तिन वंडिया गया है, गा सधारण संयुगत ते मिश्रत, ठीक है। और एक कारज के आधार पर उनके अगे आप गां चर्चा करांगे। वाकां दा वर्गीकरण, वाकां दा वर्गीकरण अगर किया जाए तो क्रियावी वाक, क्रिया रहित वाक ते अपूर्ण वाक। वाकां दा वर्गीकरण, हाँ भाई एग्जाम्पल देवांगे, बिल्कुल एग्जाम्पल देवांगे, अजे तां शुरुआत कीती है। वाकां दी वंड, वाकां दी वंड, सब तो पहला पंजाबी विच वाक है जेड़े ओ कई वर्गां च वंडे गए है भाई, क्रियावी वाक, क्रिया रहित वाक, अपूर्ण वाक। क्रियावी वाक, क्रिया रहित वाक, स्ट्रक्चर नूं समझो पहला चंगी तरह भाई, क्रियावी वाक, क्रिया रहित वाक ते अपूर्ण वाक। फिर एक एक नूं समझावांगे, ठीक है। क्रियावी वाक ओ होंदे है जिन्हां विच एक जां एक तों वध क्रिया होवे, क्रियावी वाक जिन्हां च एक या एक तों वध क्रिया होवे ओ क्रियावी वाक है, और जे जिहड़े जिंदे विच क्रिया नहीं है ओ क्रिया रहित वाक है, और जिहड़े अपूर्ण है ओ अपूर्ण वाक है। इन्हां बारे आपां गांह चर्चा करांगे। हुण आपां चर्चा शुरू कीती है जी इत्थों, क्रियावी वाक जिन्हां विच एक जा एक तों वध क्रिया होवे ओ क्रियावी वाक है। जिवें कोई भी एक एग्जाम्पल लै लैंदे, राम रोटी खांदा है, सीता खिचड़ी खांदी है, खांदी है क्रिया है, एक क्रिया है, इस तों वध भी हो सकती है भाई, इस तों वध भी हो सकती है। यह जिहड़ा उदाहरण सी साधारण वाक दा सी। हुण जिहड़े क्रियावी वाक है इन्हां नूं अगे वंडिया गया है भाई, बणतर दे आधार ते ते कारज दे आधार ते, इन्हां नूं बणतर ते कारज दे आधार ते इन्हां नूं वंडिया गया। हुण बणतर दे आधार ते भाई वाकां दी बणतर की जी है, उस दे आधार ते इहदियां तिन किस्मां है भाई, साधारण वाक, संयुक्त वाक ते मिश्रत वाक, तिन इन्हां दियां किस्मां हैगियां है भाई, और इन्हां तों तुसीं जाणू हो और तुसीं सुणिया होणा है पहलां, हुण आपां चंगी तरह जाणू होवांगे। बणतर दे आधार ते
साधारण संयुक्त ते मिश्रत आ है पे जो प्रश्न आऊगा तो एवं आऊगा बनतर के आधार से दसो बनतर के आधार से दसो तो बनतर के आधार से साधारण है संयुक्त है मिश्रत है बनतर के आधार से वाकों की वंड आ सीधा एवं भी आ सकता है बई थोड़ा ध्यान न समझो बई बनतर के आधार से वाकों की वंड साधारण वाक संयुक्त वाक मिश्रत वाक एंड कोई किंतु परंतु है नहीं गा सब तो पहला वाकों की वंड की है कई विद्वाना ने बई किरिया के आधार से किरिया की किरियावी वाक किरिया रहित वाक ते अपूर्ण वाक ठीक है अगर इन्हां चो क्वेश्चन आया प्रकार की अगर गल की इतने आ ही आ सकता है क्योंकि आ ही चीज है जी बिल्कुल स्पष्ट है बनतर के आधार से साधारण वाक संयुक्त मिश्रित वाक बोर्ड दी क्लासा चा दिता हुआ है ठीक है भाई इन्हां सारयां नूं आपां करांगे एक एक करके सिर्फ आपां एक बार फ्रेम समझ रहे हैं भाई कि किस तरीके वाकों का वर्गीकरण किया गया है आ इतों सीधा क्वेश्चन आ सकता है बनतर के आधार वाला फिर आप एक एक ते चर्चा करांगे हुण इस तों बाद आपां कारज की गल करांगे भाई अगे और इन्हां दोनों की गल करांगे अगले पास ठीक है हुण आपां इतों शुरू करते हैं भाई इत्थे तक की जिहड़ी फ्रेमिंग है वह समझ आ गई होगी ओके SMS कर दो भाई सब तो पहला वाकों की वंड की गई है पहला किरियावी वाक दूजा किरिया रहित वाक ते अपूर्ण वाक किरियावी वाक च किरिया होंदी है और किरिया रहित च किरिया नहीं होंदी ते अपूर्ण वाक है जिहड़ा वह अपूर्ण होंदा है उहदी गाह जाके गल करांगे परंतु अर्थ पूर्ण दिंदा है भाई अर्थ है पूर्ण तौर पर स्पष्ट आते हैं इन्हां दी गाह गल करांगे इन्हां दोनों की आपां गल करें किरियावी वाक किरियावी वाक दे वाक नूं की है बनतर के आधार से और कारज के आधार से वंडिया गया है हुण इत्थे बनतर के आधार से साधारण संयुक्त ते मिश्रत है कारज के आधार से हाँ वाचक ना वाचक प्रश्नवाचक विषमक वाचक इस तरीके की वंड है पंजाब बोर्ड की जिहड़ी किताब है उस केड़ी वंड की है बूटा सिंह बराड़ ने केड़ी वंड की है उनकी चर्चा आपां कारज के आधार से अगे करांगे हुण आपां एक बार बनतर के आधार से है जिहड़ी उस दी गल कर रहे हैं तो सब तो पहला आपां लैणे इत्थों बई साधारण वाक साधारण वाक सिर्फ एक ही क्रिया होंदी है भाई इस विच उह साधारण वाक है जिवें रवि पढ़दा है क्रिया एक ही है भाई बस इहदी एक ही पछाण है कि क्रिया एक ही होगी इहदी रात नूं आकाश विच तारे चमकदे हन आ लो जी एक ही क्रिया देखो रात नूं आकाश विच तारे चमकते हैं चमकना क्रिया इस तो अलावा पूरे वाक दे विच कोई भी क्रिया नहीं है कोई भी क्रिया नहीं है तो इस कारण यह जड़ा वाक है साधारण वाक है साधारण वाक की निशानी यह है कि सिर्फ एक ही क्रिया होगी साधारण वाक विच आपां नूं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई आपां पछाण जावांगे दूजियां विच मैं आण नहीं दिंदा दुनिया विच लोकी उल्टी गंगा वगांदे नहीं साधारण वाक उसने वड्डा दरवाजा खोलिया खोलना क्रिया है एक ही क्रिया दिती हुई है उसने वड्डा दरवाजा खोलिया शीला ने पखा चलाया चलाया चलाना एक ही बई चल क्रिया तो बने है तो एक ही क्रिया है साधारण वाक है साधारण वाक च कोई दिक्कत हो बई ओके SMS कर दो हुण इस तो बाद आपां चलते हैं संयुक्त वाक संयुक्त वाक भी बड़ा सरल है बई सिंपल जी गल है जिस वाक विच एक तो वध क्रिया होवे जिस वाक विच एक एक तो वध क्रिया होवे जिस विच दो जा दो तो वध सुतंत्र वाक होण दो जा दो तो वध सुतंत्र वाक होण ठीक है वह की है संयुक्त संयुक्त की निशानी की है बई संयुक्त की निशानी की है दो तो वध क्रिया दो तो वध सुतंत्र सुतंत्र वाक या उपवाक दो तो वध सुतंत्र उपवाक होणगे और दो तो वध क्रिया होणगियां और इन दे विच जिहड़ा योजक होवेगा वह समान योजक होवेगा भाई
आ निशानियां ने। बस इस स्ट्रक्चर नूं याद रखियो बई, आ महत्वपूर्ण है और आपां नूं ध्यान रहेगा बई, दो जां दो चों दो तों वध क्रिया होवेगी, दो जां दो तों वध सुतंत्र उपवाक होणगे और समान योजकां नाल जुड़ेगी, समान योजकां नाल संयुक्त वाक। उदाहरण दा, अफसर बोलता गया ते स्टैनो नोट करता गया। हुण देखो ये सुतंत्र है बई अपने च, अफसर बोलता गया अते स्टैनो टाइप करता गया। ठीक है जी, हुण देखो इत्थे दो है गए है, दो उपवाक है बई, दो उपवाक है, एक ता अफसर बोलता गया एक और दूजा ये स्टैनो टाइप करता गया। दो उपवाक है मतलब संयुक्त दी पहला, और दोनों दे दोनों सुतंत्र है गए, दोनों दे दोनों सुतंत्र है गए। भाई अफसर बोलता गया भी सुतंत्र है, स्टैनो टाइप करता गया ये भी सुतंत्र है, तो दोनों दे दोनों सुतंत्र उपवाक है। दो क्रियावां, एक तो बोलना आ क्रिया होगी और एक आ भाई टाइप करता गया, टाइप कर 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 तो करता बने है, कर तो करता किरदंत बने है भाई, ते आकर दो क्रिया होगी, ते इसनु भी फॉलो कर रहे हैं। समान योजक लगे जी अते, अते की लगे है समान योजक लगे होया है। इस तरीके नाल आपां नूं पता लग गया कि आ संयुक्त वाक है, हिंदी विच कहिंदे संयुक्त वाक, आ संयुक्त वाक है भाई। ठीक है जी, इस साबण आपां इन्हां नूं पछाण लांगे भाई संयुक्त वाक नूं। हुण अगे संयुक्त वाक बारे होर आपां देखदे हां चीजां नूं, ओह नाराज तां बड़ा है पर फिर भी विवाह दे मौके ते पहुंच गया। नाराज तां बड़ा है पर फिर भी विवाह दे मौके ते पहुंच गया। हुण इहदे च की है, दो सुतंत्र उपवाक आ गए, समान योजक आ गया भाई, पर समान योजक आ गया और क्रिया भी दो आ गई। हुण अगे की है, संयुक्त वाकां विचले दो या दो तो वध स्वाधीन उपवाक नूं, जिहड़े दो या दो तो वध उपवाक हुंदे है उहनां नूं योजक राही जोड़दा है समान योजक राही। उह समान योजकां किहड़े किहड़े ने, समान योजक दी थां कोमा भी लग्गिया हो सकदा है भाई, कोमा भी लग्गिया हो सकदा है, जिवें सीता नचदी सी गीता गाउंदी सी विच कोमा लाता, फिर एवें भी हो सकता है सीता नचदी सी अते गीता गाउंदी सी, सीता नचदी सी नचना क्रिया आ गई एक इधरले पासे आ गया, अते समान योजक आ गया दूजे पासे, गीता गाउंदी सी दूजा सुतंत्र उपवाक आ गया भाई, सारिआं नूं जोड़िया एक संयुक्त वाक है जो वह बन गया। ठीक है, तो कामा भी आ सकता है, तो स्वाधीन उपवाकों नूं कामा कामे नाल जां ते अते पर जां चाहे जदकि फिर भी फेर परंतु सगों सों इन्हां नाल जोड़िया जांदा है। सारे दे सारे जिहड़े मैं बोले है योजक हैगे है बई, योजक हैगे है, समान योजक हैगे है। सुतंत्र वाकां दी बणतर दे पैटर्न इन्हां विच विचरदे, स्वाधीन उपवाकां दी आपस विच जुड़न दी प्रक्रिया दे आधार ते ही स्थापित किए जाते हैं, जिस अनुसार पंजाबी भाषा के संयुक्त वाकों की बणतर के हेठ लिखे पैटर्न स्थापित होते हैं। आ पैटर्न तो की है कि मैं वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पर वाहवा सारे लिखते हैं, वाहवा सारे आप करांगे भाई, ऐसा आप पूर्ण तौर पर जाणू हो जाइए। वैसे आप सिर्फ आ जी स्ट्रक्चर है इनके बारे पता होना चाहिए, पैटर्न अगला जेड़ा मर्जी फॉलो कर ले। आप जो आ चीज पता है बई दो या दो तो वह क्रिया हो सुतंत्र उपवाक होणगे और समान योजक होणगे, बस जिहड़ा मर्जी पैटर्न आ जाए, जिहड़ा मर्जी पैटर्न आ जाए आपां नूं पता लग जाएगा किहड़ा पैटर्न है, परंतु पैटर्न नूं इस कारण फॉलो कर रहे हैं कि आपां चंगी तरह जाणू हो जाइए, बस सिर्फ इस कारण। और पैटर्न रटन की लोड़ नहीं है, तुहानूं तुसीं रटन लग जाओ भाई योजक पहला आऊगा, पहला स्वाधीन योजक, बाद स्वाधीन योजक, पहला योजक ये वो, कुछ भी रटन की लोड़ नहीं है। सिर्फ तुसीं आ देख लिया आ तीन चीजा होनी चाहिए, आ तीन चीजा है तां संयुक्त वाक हैगा भाई। ठीक है, जे आ निगियां तो फिर आप देखांगे भाई वह मिश्रित है कि केड़ा है, जो आप मिश्रित करांगे तो मिश्रित तो जाणू हो जाएंगे। सब तो पहला पहला पैटर्न जिहड़ा हैगा है उहनू देख लैने, स्वाधीन उपवाक ते स्वाधीन उपवाक
जोड़ के एक वाक बनाया जाता है, कोमा लगा के बना देने हैं। जीनत आपा गांधी रहिंदी, कोमा उन्हां दे गीत सुनदी रहिंदी। जीनत आपा गांधी रहिंदी, कोमा उन्हां दे गीत सुनदी रहिंदी। इहदे च दोनों दे दोनों उपवाक ने जिहड़े ओ की है, स्वाधीन है और कोमे दे नाल जुड़े हुए है, कामे दे नाल जुड़े हुए है। ठीक है, तो यह की है, स्वाधीन उपवाक है। अगला फिर लेने, उसका खावंद ठंडा हो गया, वो शांत अडोल सी। उसका खावंद ठंडा हो गया, कोमा वो शांत अडोल सी। हुण की है, दो उपवाक आ गए, कोमे दे नाल दोनों नूं जोड़िया गया है, दोनों दो दोनों स्वतंत्र उपवाक ने, इस कारण संयुक्त की श्रेणी दे जांदे है। अगला एवं भी हो सकता है, स्वाधीन उपवाक, स्वाधीन उपवाक और बचाले योजक, बचाले योजक ला दिता जाए। इस तरीके भी बन सकता है भाई, जिवें पहाड़ा विच मीह पहला भी तीन महीने वरदा सी, पर योजक आ गया भाई, योजक आ गया, पूरा योजक केड़ा है, समान योजक है, पर पानी सारा साल वरदा सी। हुण एक स्वतंत्र उपवाक, पहाड़ा विच मीह पहला भी तीन महीने ही वरदा सी, पर योजक आ गया, फिर पानी सारा साल वरदा सी, दूजा स्वतंत्र उपवाक हो गया और मिलके एक बन गया, ये संयुक्त उपवाक, संयुक्त वाक। हुण अगला लैने हैं भाई, लोग सब कुछ जानते ने पर फिर भी मजबूर हैं। हुण लोग सब कुछ जानते ने, स्वतंत्र, फिर भी मौजूद ने, फिर भी मजबूर ने, स्वतंत्र उपवाक और बचाले पर लग गया, समान योजक, तो एक ही है, संयुक्त वाक है। अगला, राह पिया जानिए जा वाह पिया जानी, राह पिया जानिए एक स्वतंत्र उपवाक, जा है जेड़ा योजक है, समान योजक, वाह पिया जानिए दूजा स्वतंत्र उपवाक, दोनों नूं जोड़ दिता और नवा संयुक्त वाक बन गया, राह पिया जानिए जा वाह पिया जानी। अगला पैटर्न एवं भी हो सकता है भाई, संविधान उपवाक, स्वाधीन उपवाक, स्वाधीन उपवाक, योजक, फिर स्वाधीन उपवाक। तो भैया पला स्वाधीन उपवाक, स्वाधीन उपवाक हो, पला स्वाधीन उपवाक विच योजक ते स्वाधीन उपवाक हो, पला स्वाधीन उपवाक, स्वाधीन उपवाक, योजक, स्वाधीन उपवाक आवे, पला पहला योजक आ जाए, पला बाद योजक आ जाए, पला जिथे मर्जी योजक आ जाए, तुसीं तां बस आ चीजां नूं देखना है, बस इन्हां नूं। ਇਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਰਵੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਬਈ, ਯੋਜਕ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਹੈ, ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਉਪਵਾਕ ਹੈ, ਦੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੈ ਬਸ, ਯੋਜਕ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਜਾਓ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਉਪਵਾਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਜਾਓ ਕਿ ਆਹ ਯੋਜਕ ਹੈ, ਯੋਜਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯੋਜਕ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਓ 360 ਡਿਗਰੀ। अपना जो अध्ययन है 360 डिग्री से आप इसे कारण कराने कि वाक बदले तो आप ना बदल जाइए, आप भी एंगल बदल के उसको देख लीए, किसी भी एंगल ना वाक आ जाए आप कर दिए, आ एंगल दसे गए, इन्हें रटन से जोर नहीं देना, सिर्फ समझण से जोर देना है। हुण की है कि हुण प्रकृति वल मनुख का मूह नहीं, उसकी पिठ है, सो प्रकृति ने भी मनुख वल पिठ कर ली है। देखो तीन उपवाक बोले है, तीनों के तीनों स्वाधीन है। हुण प्रकृति वल मनुख दा मूह नहीं, पहला उपवाक स्वाधीन, कोमा कोमा लाता भाई, उस दी पिठ है, ए भी स्वाधीन उपवाक, सो योजक है भाई, सो समान योजक, प्रकृति ने भी मनुख वल पिठ कर ली, स्वाधीन उपवाक, और एक ये सारा मिलके बन गया एक है जो स्वाधीन वाक बन गया भाई। तो जो तुसी अगर इस वीडियो नू देख रहे होंगे भाई, जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, तो नोट्स है वो अपने सामने रखन भाई, जैसे मैं बोल रहे हैं, और उन्होंने फॉलो कर ले, क्योंकि एक एक मैं चाहना है कि ज्यादा तो ज्यादा एग्जाम्पल देकर समझाया जाए, जे लिखांगे तो समा बहुत लग जाएगा इस कारण। हुण अगला जिवें हैगा, अगर तुसी वेख रहे हो तो भाई नोट्स के अंदर, साढ़े जीवन की चूल गुआच गई है, असी अपने धुरे तो हिल गए हाँ, अते योजक आ गया, दो स्वाधीन उपवाक बोले, हुण योजक आ गया, समान योजक, अते तीजा उपवाक आ गया स्वतंत्र,
जीवन विच तिलकना तिलकन वध गई है, साडे जीवन की चूल गवाच गई है, असी अपने धुरे तो हिल गए हाँ अते जीवन विच तिलकन वध गई है। आ है भाई होर एग्जाम्पल ले लें, आंडी गवांडी हैरान सन, पहला सुतंत्र उपवाक कोमा लग गया, उस दे बच्चियां दा प्यो तुर गया सी, दूजा सुतंत्र उपवाक, ते समान योजक बच्चियां दी मां ने कई कदी एक वार उसनू याद नहीं किया, तीजा सुतंत्र उपवाक। हुण अगले पैटर्न नू फॉलो करदे आं भाई, स्वादिन उपवाक ज्यादा हो सकते हैं, एक तो वध हो सकते हैं, कीपता होना चाहिए, योजक आवे ना आवे जरूरी नहीं है, योजक कीपता ना आवे, पर सारे दे सारे स्वादिन उपवाक आ सकते हैं, एक दो दो एक तो वध होणगे भाई, दो तीन चार पांच जिन्हें मर्जी आ जाए स्वादिन उपवाक, और योजक की जगह कामा लग सकता है, तुसी योजक लभदे फिरो, मैं बोलिया कौमा कौमा जा समान योजक, और अपने नोट्स अंदर लिखा भी हुआ है, या कौमा होगा या योजक ला रखिया होगा, समान योजक भाई। हुण की है स्वादिन उपवाक तो शुरू करते हैं, एक दोस्त काफी हुंदा है, पहला दो दोस्त जी कोई रीस नहीं, दूजा उपवाक, तीन दोस्त कर्मा वालियां दे हुंदे ने, चार दोस्त संभव नहीं, चार सुतंत्र उपवाक जोड़ के एक स्वाधीन संयुक्त वाक की रचना की। हुण अगला एक होर लैने भाई, लोगों औंगल का इशारा कर रहे हैं, मतलब पहला उपवाक बोल रहे हैं, लोगों अपनी धरती नाल मोह नहीं, अपनी मां बोली का माण नहीं, जिंदगी जीण का कोई चा नहीं, तीन स्वादिन उपवाक बोले जेडे कि संयुक्त वाक की सरजना कर रहे हैं। हुण की हो सकता है भाई, स्वादिन उपवाक हो सकता है, योजक हो सकता है, स्वादिन उपवाक हो सकता है, योजक हो सकता है, स्वादिन उपवाक हो सकता है, कहण का मतलब कि तीन स्वादिन उपवाक हो सकते हैं, और उन्होंने कामा की कामे की थां योजक लग्या हो सकता है, कोमे की थां योजक लग्या हो सकता है, इतने समान योजक और कोमा करना, मैं इतने कोमा भी करना भाई, ताकि कोई दिक्कत रही ना, वैसे समान योजक का इंगित करता है भाई, समान योजक दो तो दो वध किरिया, दोनों तो दो या दो तो वध सुतंत्र उपवाक, ते समान योजक, जे समान योजक ना दिखे तो कोमा दिखूगा, आ ध्यान रखियो। हुण जिहड़े मैं वाक बोल रहा वो कोमे की बजाय योजकां नाल जुड़े हुए, जिवें पानी जीवन का स्रोत है, पहला योजक आ गया भाई, इस्त्री जीवन का साधन है, दूजा वाक, सो दूजा योजक आ गया। हुण तीजा वाक बोल रहे हैं, इस्त्री नाल प्रकृति का संबंध मां धी वाला है, पानी जीवन का स्रोत है, इस्त्री जीवन का साधन है, सो इस्त्री नाल प्रकृति का संबंध मां धी वाला है। एक होर एग्जाम्पल ले लें, ए अवस्था होर उतां चढ़दी है, ते औरक उनका ज्ञान जज्बाती इक सुरता बन जाता है, ते हर कोई उनु अनंत होने का विकास दिस पैंदा है, अनंत होने का विकास दिखन लग गया भाई उन्हें। हुण इस तरीके ने भाई, तुसी कोई भी आवे, जे मैं अगला वड्डा उपवाक बोल देना, बहुत वड्डा ना आवेगा तो नहीं, परंतु फिर भी निवेकली शैली कारण व्यक्ति अडरे पछाने जाते हैं, कोमा लग गया, इतने योजक नहीं है, उन्होंने सलाहण वाले कुछ कु व्यक्ति होंगे, पर इतने लग गया भाई योजक, समान योजक, समाज उन्होंने पछाणदा नहीं, कोमा उन्होंने पढ़ता है। तो बस तुसी कोई पैटर्न हो, कुछ भी हो, एक चीज ध्यान रखनी है भाई, जेड़ा कि नचोड़ है, सिक्का है, संयुक्त वाक नू पछाण दा, संयुक्त उपवाक पहला, दो या दो तो वध क्रिया होणगियां भाई, दो या दो तो वध सुतंत्र उपवाक होणगे भाई, समान योजक होवेगा, जे समान योजक नहीं दुखदा ते कोमा होवेगा। हुण योजक है जिहड़ा पहले उपवाक तो बाद च आ सकदा है, कीता पहले उपवाक तो बाद च योजक ना आवे, कोमा आ जावे उस तो बाद आ सकदा है भाई, ठीक है, तो योजक है जिहड़ा समान योजक कित्थे भी आ सकदा, जे ओह नहीं आऊगा तो कोमा आऊगा, सारे उपवाक स्वाधीन होणगे। हुण यह जिहड़ी कहानी सीगी, यह सीगी संयुक्त वाकां दी, संयुक्त वाकां दी। हुण आपां गल करदे हां मिश्रत वाकां दी, मिश्रत वाक।
लो जी देखो साधारण वाक भी पछाण गए, संयुक्त वाक भी पछाण गए, मिश्रित वाक च भी अपन दिक्कत नहीं आऊगी। मिश्रित माने मिश्रण करना, और मिश्रण वाक है जेड़ी उनकी बनत्तर व्याकरणक पक्षों असामी हुंदी है, क्योंकि मिश्रित वाक की बनत्तर विच एक स्वाधीन उपवाक अते एक जा एक तो वध पराधीन उपवाक विचरदे ने। एक तो की होगा स्वाधीन उपवाक होगा, स्वाधीन कई बार एक तो वध भी हो सकता है, कई किसी किसी स्थिति च एक तो वध हो सकता है भाई। अमूमन तौर पर एक स्वाधीन उपवाक, फिर एक अधीन उपवाक, की होगा अधीन पराधीन उपवाक, आ एक तो वध भी हो सकती है, एक तो वध भी हो सकते। एक तो होगा स्वाधीन, विपरीत परिस्थितियां के अंदर एक तो वध भी हो सकता है, एक होगा स्वाधीन और एक तो वध होंगे अधीन, और योजक होगा अधीन योजक, अधीन योजक के नाल जुड़ूगा, अधीन योजक के नाल जुड़ूगा। ए इनकी स्ट्रक्चर है, बस दो जा दो तो वध उपवाक होंगे, जिन्हां विचों एक है जेड़ा वो सुतंत्र उपवाक होगा, दूजा उसके अधीन होगा, दूजा उसके अधीन होगा। जेड़ा अधीन उपवाक है वो एक भी हो सकता है, एक तो वध भी हो सकता है। घट तो घट इनकी स्ट्रक्चर अगर देखी जाए, छोटी तो छोटी जी स्ट्रक्चर इनकी बनेगी वह बनेगी एक स्वाधीन उपवाक, एक अधीन उपवाक और अधीन योजक। इवें भी हो सकता है एक स्वाधीन उपवाक दो, एक या एक तो वध, एक जा एक तो वध अधीन उपवाक और अधीन योजक। अपवाद रूप च बहुत थोड़ा कोई यह वाक भी आ सकता है जिस विच दो स्वाधीन हो, एक अधीन या दो अधीन होवे, अधीन योजक होवेगा। परंतु जेड़ा नचोड़ अपने सामने निकल के आया है वो आ निकल के आया है भाई, इस विच स्वाधीन उपवाक होगा और एक या एक तो वध अधीन उपवाक होंगे और अधीन योजकों के नाल आ जुड़िया होगा। ठीक है जी, आ चीज है इसका पैटर्न है। जिवें स्वाधीन उपवाक व्याकरण पक्षों सुतंत्र तौर पर विचर सकण की स्वतंत्रता रखता है, सुतंत्र तौर पर व्याकरण पक्षों विचर सकता है स्वाधीन सुतंत्र। उत्थे पराधीन उपवाक विच सुतंत्र तौर पर साधारण वाक वजो विचर सकण की समर्था नहीं होंगी, वह पराधीन उपवाक होंदा है, वह सुतंत्र उपवाक के अधीन होंदा है, वह सुतंत्र तौर पर विचरण नहीं कर सकता अधीन उपवाक, क्योंकि वह इस दे अधीन है, वह इस दे अधीन है। होर पराधीन उपवाकां की रचना कालकी तो इलावा अकालकी क्रिया वाकांश द्वारा भी हो सकती है। क्रिया वाकांश की होगा कालकी या अकालकी, कालकी या अकालकी। अकालकी तुहानू दस्सिया भाई के नौ नौ दया आए हैं, के नौ नौ दया आए हैं, इन्हां नाल जिहड़ा बने क्रिया वह अकालकी है भाई। पराधीन उपवाकों की रचना कालकी तो इलावा अकालकी क्रिया वाकांशों द्वारा भी हो सकती है। दरअसल पराधीन उपवाक किसी मुख या स्वाधीन उपवाक नाल सहयोगी के रूप में विचर के ही मिश्रित वाकों की सिरजना करते हैं। पंजाबी भाषा के मिश्रित वाकों विचले अधीन योजकों नाल आरंभ होंगे हैं, जां इन्हां दी क्रिया अकालकी होंगी है, इन्हां दी क्रिया की होंगी है अकालकी होंगी है। अधीन उपवाकों की क्रिया की है अकालकी होंगी है। रूप के पक्ष तो मिश्रित वाकों विच विचरन वाले अधीन योजक साधारण तौर पर जो जिवें जदों जे लोभ जो जिवें जदों जे की आ हो सकते हैं भाई। ठीक है, और इन्हों का संयुक्त रूप भी हो सकता है भाई, संयुक्त रूप है जदों की और जिमें कि इन्हों का योजकों का अधीन योजकों का आ की है अधीन योजक। कल्ले कह रहे भी हो सकते हैं, संयुक्त रूप में भी हो सकते हैं और टुटमें भी हो सकते हैं। इन्हों बारे आप गल कर चुके हैं भाई, कल सह संबंध की भी हो सकते हैं, जिमें जे एक दगे जे लग्या हो फिर बात फिर तां सह संबंध की जिन्हों कहें टुटमें, जेडे इधर आ जाए इधर आ जाए, जे तां
भावें फिर अस इस संबंध की इन्हों बारे आप चर्चा योजकों के अंदर कर चुके हैं भाई, और योजकों में आप कर लिया भाई, उत्थे तुसी जाके वेख लियो और ये की है कि सिंगल है, ये संयुगत है और ये टुटमें या सह संबंध की है, इन्हों की वरतों होगी भाई अधीन योजकों की। यह तो दस्या जो जिमें जय जद की इन्ह अधीन योजकों के नाल की है कि वाक बनेंगे, वाक बनूगा। हुण जिहड़ा मैन स्ट्रक्चर है इहदा, स्वाधीन उपवाक, अधीन उपवाक, अधीन योजक, ठीक है। अधीन योजक केड़े है आ थले लिखते, तुहानूं थोड़ा पता होना चाहिए अधीन योजक केड़े, एकाल की क्रिया, एकाल की क्रिया। हुण की है मिश्रित वाकां की बनतर का यह बुनियादी पैटर्न है भाई, पहला स्वाधीन उपवाक, फिर योजक, फिर पराधीन। सिंपल जा, जे तो सिंपल जा आंदा है, सिंपल जा क्वेश्चन आया तो सिर्फ इन्ना जाऊगा, लोग भली बात जानते हैं कि इस समय भ्रष्टाचार सिखरां ते है। आलो जी, लोग भली बात जानते हैं कि इस समय भ्रष्टाचार सिखरां ते है। देखो भाई, हुण असीं इस की है लोक भली भाती जानते हैं स्वाधीन, यह की है लोक भली भाती जानते हैं स्वाधीन उपवाक है, वो की जानते हैं, वो की जानते हैं की है अधीन योजक है, अधीन योजक है, और इस समय भ्रष्टाचार सिखरां ते है, इस समय भ्रष्टाचार सिखरां ते है भाई, ये पराधीन है, पराधीन या अधीन, अधीन उपवाक है। सिंपल जी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जेड़ी मर्जी आ जाए भाई, भला इत्थे एक की कहिंदे है कि एक स्वाधीन उपवाक आ जाए, दो पराधीन आ जाण, अधीन योजक बिच लग्या होवे भाई, ठीक है, तो उस तो आप पछाण लवांगे। स्ट्रक्चर जेड़ी मर्जी होवे, सिर्फ आ देखना है भाई एक स्वाधीन उपवाक होगा और बाकी जो दूजा उपवाक होगा उस पर डिपेंड होगा। हुण आ उपवाक है जिवें लोग भली भाती जाणदे ने, आ स्वाधीन उपवाक है, हुण लोग की जाणदे है भाई, लोग आ जाणदे है यह पराधीन है, इस समय भ्रष्टाचार सिखरां ते है, इस समय भ्रष्टाचार सिखरां ते है, आ जिहड़ा है अधीन उपवाक है, यह किस दे अधीन है, यह इस उपवाक दे अधीन है, लोग भली भाती जानते हैं इस उपवाक दे अधीन है, ठीक है। और आ अधीन उपवाक की पछाण करने का दूजा तरीका यह है कि इनके नाल अधीन योजक लग्या होया है, अधीन योजक लग्या होया, इस नाल अधीन योजक लग्या होया है, इतों आप पछाण जाएंगे कि आ अधीन उपवाक है। अगला एग्जाम्पल लैने भी, वाक रचना तो हर कोई कर सकता है, जे उसनू अकली हुनर आउंदा होवे। हुण स्वाधीन उपवाक है पहला भाई, वाक रचना तो हर कोई कर सकता है, जे अधीन योजक है, अधीन योजक दे नाल अधीन उपवाक आया होया, जे उसनू अकली हुनर आउंदा है, जे उसनू अकली हुनर आउंदा है, उहनू अकली हुनर अगर आउंदा है, अकली हुनर आउंदा है तो वाक रचना हो जाएगी, अकली हुनर आंदा है। यह जिहड़ा उपवाक है वह पहले सुतंत्र उपवाक के अधीन है, ठीक है, और दूजा इहदे अगे जो है जे लग्या होया, जो लग्या होया, तो यह अधीन योजक है भाई। यह अजिहा दिन है स्वाधीन उपवाक जो सानू सदा चेता रहेगा, यह अजिहा दिन है जो सानू सदा चेता रहेगा, जो सानू सदा चेता रहेगा, अधीन उपवाक है, इनके अगे दूजी पछाण, इनके अगे अधीन योजक लग्या होया है, और आ की है कि पहले वाले दे अधीन है। हां जी, समझ आ गई बई, ओके एसएमएस कर दो, होर एग्जाम्पल दईए फिर। हुण अगला, इस इलाके विच इतनी गरीबी है
जिसका कि अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता, जिसका अधीन योजक है कि अनुमान ही लाया जा सकता। अरे किन्ना अनुमान नहीं लाया जा सकता, यह तो प्राधीन उपवाक है भाई, एक ही है प्राधीन उपवाक है, जिसका कि अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता, एक प्राधीन उपवाक है, किसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, गरीबी का। स्वतंत्र उपवाक इस इलाके विच इतनी गरीबी है, इस इलाके विच इतनी गरीबी है, एक ही है स्वाधीन है और उनके पीछे अधीन उपवाक जुड़िया हो। सुंदरता ओ है स्वाधीन उपवाक, जिसकी सोकण भी सिफत करे, जिनकी सोकण भी सिफत करे भाई, जिसकी अधीन योजक, जिसकी सोकण भी सिफत करे, अधीन उपवाक, अधीन उपवाक पहले स्वतंत्र उपवाक के अधीन है, सुंदरता ओ है। ओह यो तुर रहा है जिमें उस दे सट वजी हो, जिमें अधीन योजक पर अधीन योजक नाल अधीन उपवाक लग्या है, जिमें उस दे सट वजी हो, और ये स्वतंत्र दे अधीन है भाई, यो तुर रहा है। हुण की है देखो, प्राधीन उपवाक पहला नहीं आ सकता, हजे तक मैं जिहड़े एग्जाम्पल बोले सी, अरे भाई प्राधीन उपवाक पहला आ जाए, बाद च आ जाए, इधर आ जाए, उधर आ जाए, जिधर मर्जी आ जाए, पछाण लियो उन्दे चो योजक पछाण लियो, अधीन योजक लग्या दे पहली निशानी तो अधीन योजक लग्या होगा उपवाक, और कई बार एवं हो सकता है अधीन उपवाक आऊगा उन्दे अगे और पिछे दोनों पासे अधीन योजक लगा दे, फिर भी तुसी पछाण लेना भाई आ है अधीन उपवाक है। पहला पछाण का तरीका तो सब तो पहला तरीका तो आया भाई, तुसी वाक पढ़ोगे, वाक पढ़ने ही तुहानू पता लग जाएगा। चल इन्ने एग्जाम्पल दिते हुए है आपां, इन्ने एग्जाम्पल दिते हुए, इन्ने पैटर्न दिते हुए है, पैटर्न इस कारण दिते हुए भाई हर एंगल ना तुहानू पता लग जाए, एवें भी बात हो सकता है, एवें भी हो सकता है, एवें भी हो सकता है, एवें नहीं मैं कला एक दो एग्जाम्पल देंदा और तुसी फिर उस विच ही फसे रहिंदे, हर एंगल नाल चीज नू देखना है ताकि अपने मन च बिल्कुल भी शंका ना रहे, योजक अगे आ गया, योजक पिछे आ गया, यह प्राधीन उपवाक है, यह स्वाधीन है, केड़ा है, केड़ा है, केड़ा स्वाधीन है, केड़ा प्राधीन है, ठीक है। स्वाधीन स्वतंत्र उपवाक अपने आप स्वतंत्र होंदा है, प्राधीन उपवाक जो तुम वाक पढ़ोगे आप ही तुम्हें पता लग जाएगा, वाक ने एक बार पढ़ लो, दो बार पढ़ लो, तो पता लग जाएगा भाई यह प्राधीन है, यह इस वाक के अधीन है, इस उपवाक के अधीन है भाई, इस उपवाक के अधीन है, स्वतंत्र उपवाक के अधीन है, यह प्राधीन उपवाक है। पहली निशानी तो आई, दूजी निशानी की योजक लग्या होगा, और योजक भी कहड़ा लग्या होगा, अधीन योजक लग्या होगा, अधीन योजक। लो जी हुण थोड़ा पैटर्न बदल दें, योजक तो शुरू कर दें, जिस दिन उन्होंने आना हुंदा मिसेज सरफ या मिसेज बजाज, उस शाम कपड़े खरीदण तुर पैंदी। हुण प्राधीन उपवाक पहला है, जिस अधीन योजक लग्या होया, जिस दिन उन्होंने आना होंदा मिसेज सरफ, चलो जी कपड़े खरीदण तुर पैंदी। अगला, जे रोटी बारे कहना होवे पहला आख्या जावे, पहला आखना है रोटी बारे, पहला आखना है, पहला आख्या जावे स्वाधीन उपवाक है, और जे रोटी बारे कहना होवे ए प्राधीन उपवाक है। हुण पहले नंबर ते आ गया, तां वी चिंता नहीं करना, पहले नंबर ते आ गया, अंदे गए अधीन योजक लग्या होया है। एक होर लै लैने, जद दुआकर चक नंबर 22 विच नवी नवेली वोटी बन के आई, 20वीं सदी का पहला साल सी, 20वीं सदी का पहला साल सी, ए स्वाधीन है भाई, वह 20वीं सदी का पहला साल सीगा, ए स्वाधीन है, पिछे आ गया तो की दिक्कत है, वह 20वीं सदी का पहला साल सी, जद दुआकर या बसंत कौर चक नंबर 22 विच नवी नवेली वोटी बन के आई। हुण इहने एवें करता, जद बसंत कौर चक नंबर 22 विच नवी नवेली वोटी बन के आई, कोमा 20वीं सदी का पहला साल सी, पिछे करता, इसी वाक नूं एवें बोल लो, 20वीं सदी का पहला साल सी, स्वाधीन उपवाक पहला ले आए आपां, जद दुआकर चक नंबर 22 विच नवी नवेली वोटी बन के आई। मतलब वाक इधर आ गया, इधर आ गया, जिधर मर्जी वह उपवाक नूं लै जाए, स्वाधीन उपवाक नूं जिथे मर्जी चक के लै जाए, तुहाडियां नजरां इहदियां होणी चाहीदियां कि तुहानू पता लग जाए भाई इन्हें अगे रखता, इधर रखता, विचाले रखता, इस पासे रखता, किधर एवें ना होवे तुसीं कुछ निश्चित ही करके बह जाओ और वह तुहानू अगे मिले ना और दिक्कत हो जाए।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਪਰਾਧੀਨ ਇਹ ਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਯੋਜਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਯੋਜਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰਾਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਚ ਪੈ ਜਾਓਗੇ ਬਈ ਪਰਾਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਯੋਜਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਆਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯੋਜਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਗਜਾਮਪਲ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਪੜ ਦਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਪਵਾ ਕੇ ਬਈ ਭਾਵੇਂ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਅਗਲਾ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਿਊਕਲੀ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਹੀ 250 ਸਹਿਰ ਜੰਗੀ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 250 ਸਹਿਰ ਜੰਗੀ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਸੁਆਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਹੈ ਬੜੀ ਸਰਲ ਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਰਲਤਾ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਅਕਾਲਕੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲਕੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਛਾਣ ਜਿਓ ਅਕਾਲਕੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਲਗਭਗ ਅਕਾਲਕੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੀਨ ਉਪਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਬਾਈ ਲਗਭਗ ਅਕਾਲਕੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਊਗੀ ਅਕਾਲਕੀ ਕਿਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੇ ਨੋ ਦੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਈ ਅਕਾਲਕੀ ਕਿਹਨੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ ਬਈ ਕਿਹਨੋਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਨੋ ਦੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰ ਲਿਓ ਅਕਾਲਕੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਅਪਰਾਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਈ ਉਸਦੇ ਅਕਾਲਕੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਧਿਕਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਿਆ ਕੇ ਨੋਣ ਉਹ ਦਿਆ ਆ ਦਿਆ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਖਲ ਉਤਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਖਲ ਉਤਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕੋਮਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਮਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰ ਲਏ ਕੋਮਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰ ਲਏ ਔਰ ਅਕਾਲਕੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੇ ਅਕਾਲਕੀ ਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਦੇ ਭਾਈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲਕੀ ਕਿਰਿਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਪਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਖਲ ਉਤਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਝੱਸ ਪੈ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਪਵਾ ਕੇ ਸੁਆਧੀਨ ਕੀੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਸੁਆਧੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਕਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਪਵਾ ਕੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਵੇਖਿਆ ਐਂ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਐਂ ਅਕਾਲਕੀ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪ ਆ ਗਿਆ ਲਓ ਜੀ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਆ ਦੇਖੋ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਝੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਦੇਖੋ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਅਕਾਲਕੀ ਕਿਰਿਆ ਅਕਾਲਕੀ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇ ਨੋ ਗੁਣੋ ਦਿਆ ਇਹਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਇਹਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕਾਲਕੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਚੱਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਬਈ ਆਹ ਪਰਾਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਹੈ ਬਈ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਦੋਂ ਚੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਆ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਬੋਧੀ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੁੱਧ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ ਬੁੱਧ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਾਏ ਬਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਵੇਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਆਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਯੋਜਕ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪਰਾਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਯੋਜਕ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪਰਾਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਹੋਵੇ ਸੁਆਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਯੋਜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਾਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਫਿਰ ਯੋਜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਾਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਜਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਈ
आपने कहा, स्वाधीन उपवाक भाई, आपने कहा, और की कहा, की अधीन योजक लग्या होया अगले उपवाक दे के, की उत्थे एहो जिही सरकार होनी चाहीदी है जिहड़ी आजादी नाल अपनी निरपक्षता कायम रख सके। अगला एग्जाम्पल, कहिंदे हन कि मूर्ख उस थां फौरन प्रवेश कर जांदा है जिथे फरिश्ते भी वड़दियां डरदे हन। कहिंदे हन स्वतंत्र उपवाक और अधीन योजक नाल अधीन उपवाक शुरू हो रहा है कि मूर्ख उस थां फौरन प्रवेश कर जांदा है कोमा जिथे, फिर जिथे तो शुरू हो गया, फरिश्ते भी वड़दियां डरदे हन, वड़दियां वड़दियां एया ए काल की रूप आ गया, की आ गया, ए काल की रूप आ गया, ए भी प्राधीन उपवाक है। प्राधीन उपवाक नु तुसी पहचान सकते हो भाई कई तरीके नाल, एक तो पढ़ के पता लग जाए, ये किसी वाक के अंडर च स्वतंत्र नहीं लग रहा, स्वतंत्र नहीं लग रहा, यह जो पढ़ते रहोगे तो देखते ही पता लग जूगा यह प्राधीन उपवाक है, दिक्कत नहीं आएगी। फिर दिक्कत आती है तो आप अधीन योजक देखने, अधीन योजक अधीन उपवाकों के नाल लगते, फिर भी दिक्कत आ रही है, फिर हो सकता है अकाल की क्रिया दिती हो, अकाल की क्रिया दिती हो, अकाल की क्रिया वेख लेंगे जिथे आप जिथे फरिश्ते भी वड़दे हैं डरते हैं वड़दे हैं, अकाल की क्रिया रूप आ गया, आप पछाण लिया। तो इस तरीके वड्डे वाक भी आ सकते हैं बी, अगे याद रखो कि वाक विच जिन्हियां क्रियावां होणगियां उस विच उतने ही उपवाक होणगे, कि वाक विच जिन्हियां क्रियावां होणगियां प्राधीन उस विच उतने ही उपवाक होणगे प्राधीन। ठीक है, तो कहण दा भाव यह है जिहड़ा स्वतंत्र उपवाक है जिहड़ा भावें पहले नंबर ते आ जाए, भावें दूजे नंबर ते आ जाए, भावें तीजे नंबर ते आ जाए, भावें चौथे नंबर ते आ जाए, पछाण लैणा है प्राधीन उपवाक, वह तो स्वतंत्र सी, स्वतंत्र उपवाक स्वाधीन उपवाक पहले दूजे तीजे चौथे जिथे मर्जी आ जाए पछाण लैणा है, और प्राधीन उपवाक भावें पहले ते आ जाए दूजे ते आ जाए तीजे ते आ जाए चौथे जिथे मर्जी आ जाए पछाण लैणा है। इस तरीके वख वख पैटर्न दिते है, तुसीं पछाण सको भी पहले आया होया बाद च आया है, और बढ़िया तरीके नाल लिखे होया है प्राधीन आ है, उहदी स्ट्रक्चर लिखी हुई है ताकि तुसीं तुहानूं अपनी तरफों कुछ भी लिखण दा जतन ना करना पवे। हुण की है, इन्ना तुसीं पछा लो भाई,